भारत के जम्मू कश्मीर में लगाई गई धारा 370 को तोड़ने पर जहां भाजपाइयों में खुशी का माहौल है, वहीं मोगा में सीपीआई एमएल तथा इंकलाबी मोर्चा पंजाब द्वारा धारा 370 तोड़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज मोगा में सीपीआई एमएल तथा इंकलाबी मोर्चा की तरफ से मोगा के नेचर पार्क में कश्मीर में धारा 370 को रद्द करने के विरोध में रोष मार्च निकाला गया। यह रोष मार्च नेचर पार्क से लेकर मोगा के मेन बाजार से होते हुए मेन चौक तक किया गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए इंकलाबी मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, जो उन पर धारा 370 को खत्म करके छीन लिया गया है, उसको बहाल किया जाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन यापन को सही तरीके से चला सकें। और सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और दूसरी सुविधाएं जो बंद कर दी गई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिन्होंने भी धारा 370 का विरोध किया या विरोध करना चाहा, उन्हें बंदी बना लिया गया, जिसके खिलाफ सीपीआई तथा इंकलाबी मोर्चा मोगा में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए यह रोष मार्च निकाल रहे हैं ताकि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, सरकार को एहसास हो कि वह फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा 370 को बहाल ना किया गया तो वह अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। मोगा से बिट्टू पुरवा की विशेष रिपोर्ट। लोकसभा मंच पंजाब, आज से लोकसभा मंच सीपीएमएल डेमोक्रेसी इनकलाबी लोक मोर्चा वालों साझे तौर पर जो पार्लीमेंट के जम्मू कश्मीर बारे 370 धारा जो विशेष अधिकार दी थी खत्म की है, अज वह रोस जाहिर करने के लिए असी रैली की है तो बाद अपना मार्च किया है। तो असं चाहते हाँ कि वो जी धारा है वो तो मुड़ बहाल की जाए, जोड़ा जम्मू कश्मीर इतों की हुकूमत ने करार किया, उस करार से खड़न जिमें उस कश्मीर दो टोटे कर दिता, ये भी निंदण योग गल है। ये अपनिया वोटों मुताबक ये कट-वट कर रहे हैं, जिथे मोदी पूरी जा नहीं दे सकते उत्थे तां जिहड़ा चोणां दा जब ही बढ़ दिता है कि उत्थे असीं चोणां भी नहीं कराउणियां, जम्मू कश्मीर दे विच कराउणगे, लद्दाख दे विच नहीं जाणगे। सो उत्थे जिथे लोग लड़ रहे हैं उत्थों ये डरदे मारे ने सारा कुछ किया, उत्थों की कौम नूं बखाड़ किया, ये जो किया ये बहुत ही माड़ी गल है ते लोग इसके खिलाफ जबरदस्त उठणगे ते थां थां इहनां दा विरोध होऊगा। की नाम जी? ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 370 ਧਾਰਾ 15A ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਅੱਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।